हूँ आपके साथ आरती और अब खबर छतरपुर जिले से। किसानों के साथ खाद को लेकर हो रही समस्याओं पर आज युवा कांग्रेस ने बमीठा सोसाइटी में प्रदर्शन किया। खाद को लेकर हो रही किसानों को समस्या पर आज बमीठा सोसाइटी में सैकड़ों युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस ने सोसाइटी प्रबंधक पर आरोप लगाया है कि सोसाइटी में सिर्फ उन लोगों को ही खाद वितरण किया जा रहा है जो भाजपा और आरएसएस से जुड़े लोग हैं, सिर्फ उन्हें ही खाद मिल पा रहा है, आम किसानों को केवल इंतजार कराया जा रहा है। किसान कांग्रेस के प्रदेश सचिव ज्ञानेंद्र सिंह परमार, युवा कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष स्वतंत्र शर्मा ने बताया कि सोसाइटी में पार्टी की देखरेख खाद वितरण किया जा रहा है। अगर किसानों के साथ ऐसे ही अत्याचार होते रहेंगे तो युवा कांग्रेस भारी कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन करेगी और खाद वितरण में हो रही धांधली को नहीं रोका गया तो युवा कांग्रेस के द्वारा बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा जिसका जिम्मेदार शासन होगा। इस मौके पर राहुल राजा और राजेश पटेल, दीपक वाजपेयी, राणा राजा, दिग्विजय तिवारी सिंह, युवा कांग्रेस के अनेकों कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे पास बमीठा सोसाइटी से किसानों का फोन आया है, यहाँ पर खाद वितरण में बहुत समस्याएं हो रही हैं। आज हम अपनी युवा कांग्रेस की टीम के साथ बमीठा पहुंचे, वहां पर किसानों ने बताया कि जो आरएसएस भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं उनको खाद दिया जाता है और हम कल से यहाँ पर डले हुए, हमें खाद नहीं मिल पा रहा है। हमने सोसाइटी प्रबंधक से बात की, अगर किसानों के साथ अन्याय हुआ तो ये युवा कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी और किसानों को सही समय पे खाद मिलना चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो युवा कांग्रेस आंदोलन करेगी, इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन स्वयं होगा।